हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल की शिवाय क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो के बारे में पता चले। तो आज हम बात करेंगे साइंस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपको बताया था इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो थी जनन तंत्र के बारे में। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा जो देखने वाले हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा मानव हार्ट, जिसको हम हृदय कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। 5 नंबर का 3 नंबर का 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन हमें डेफिनेट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमको हार्ट के बारे में जानना है। हार्ट की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हार्ट्स के फंक्शन हम देखेंगे, और हार्ट्स की जो भी फंक्शन जो होते हैं इसके, ये सब कुछ हम सामने हमारे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ, नॉर्मल सा जो भी है। तीन लेयर होती है, जैसे हमने उसमें देखी थी इसी तरीके से तीन लेयर इसमें देखने मिलेगी, पेरी मेट्रियम, ये हो गया आपकी फर्स्ट, सेकंड है आपकी मायोमेट्रियम, और थर्ड इज द एंडोमेट्रियम। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडो मतलब एंड में, और मायो मतलब मिडल, और पेरी मतलब बाहरी। तो देखो जो तीन लेयर है हार्ट की, तो जो हार्ट्स की अगर बनावट की अगर अपन बात करेंगे, हार्ट्स को अगर अपन देखेंगे, माना ये हार्ट है, और अगर इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर की हम लेयर देखेंगे तो वो हमको इस तरीके से बनावट में देखने को मिलेगा, जिसमें ये तीन लेयर होगी। तो मैंने बताया था आपको जो बाहर की ओर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी। मिडल्स लेयर जो होगी वो होगी आपकी मायो, और सबसे इनर मोस्ट जो अंदर की ओर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा हम डायग्राम में अभी अच्छे से देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सिर्फ एक नॉर्मल सी जानकारी दे रहा हूँ कि हेड्स के अंदर जो हम लेयर देखते हैं वो तीन लेयर देखते हैं, पेरी मायो और एंडोमेट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स बनाते रहिए आप ताकि आपको परेशानी ना हो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से होगा। एक क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन सीधा ही होगा, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। एक क्वेश्चन होगा आपके तीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन आपको एक ही तरीके से, एक ही फंडे से हम समझा देंगे आपको कि आपको क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर, मतलब पहला काम आपका क्या हो गया, मानव हृदय का मन को क्या बनाना है, चित्र बनाना है, इसके कार्य को विस्तार से समझाइए। दूसरा काम है हमारा, इसके जितने भी कार्य हैं किसके, मानव हृदय के जो कार्य हैं
मानव हृदय जिस तरीके से कार्य करता है उसके जो फंक्शन है उनको हमें विस्तार से समझाना है। या तो क्वेश्चन ऐसे होगा या सीधा ही होगा, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, वो भी आपको इसी में देखने को मिल रहा है, या फिर मानव हृदय के प्रत्येक भागों का नाम लिखकर। तो देखो भाई इसके जो कार्य हैं तो कार्य हम किसके बताएंगे, उसी के बताएंगे जो इसके प्रत्येक भाग है, उन्हीं के तो नाम बता करके उनके तो भागों के अपन को कार्यों को समझाना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप तीनों क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले जो देखना है वो देखना है मानव हृदय का चित्र, उसके प्रत्येक भाग और प्रत्येक भागों के कार्य और उनके नाम जो भी है सब हम डिटेल से देखेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप उतार लीजिए एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और इनके आंसर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो भी आपको समझ में आ जाए। तो चलो डायग्राम्स मैं बता रहा हूँ आपको, कि डायग्राम दो है मैं अच्छे से नहीं बनाता लेकिन आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हर्ट्ज का डायग्राम है। बचपन में जो अपन हर्ट्स बनाते थे वो ये वाला हर्ट बनाते थे। तो भाई ये तो सिर्फ नॉर्मल होता ही है, देखो ये तो नॉर्मल होता ही है जो हम काम में लेते हैं। अगर एक्चुअल में हम हर्ट को देखें तो हर्ट्स हमको ऐसा दिखाई देता है। अब मैं आपको इसके प्रत्येक भागों को एक बार बता देता हूँ। अगर हर्ट्स को मैं डिवाइड करूँ, हार्ट को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं इसको चार भागों में डिवाइड कर देता हूं। तो ये आपका हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड। इसकी अगर मैं बात करूं, ये ऊपर से आपको खुला हुआ यहां से दिखाई दे रहा है, ये आपको होता है सुपीरियर, मैं आपको अभी हिंदी में और बता दूंगा, वेना केवा, सुपीरियर वेना कावा। और ये नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये होता है आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है आपको ये तीन, ये एक, ये दो और ये तीन, ये जो तीनों इससे जो खुल के ये है आपका अयोटा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले अपन को हार्ट के अंदर जो देखना है यह है इसके वेट के बारे में। वेट मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वजन की। तो देखो सब में दोनों में अलग अलग होता है, मेल में और फीमेल में। मेल मतलब समझ रहे हैं आप पुरुष और फीमेल मतलब महिला। मेल और फीमेल दोनों में हार्ट का वेट अगर हम देखें तो यहाँ होगा मेल में आपके 300 ग्राम और फीमेल में होगा 250 ग्राम। तभी तो पुरुषों का जो दिल होता है वो बड़ा होता है भाई, 300 ग्राम जो होता है वजन में, महिलाओं का तो 250 रह गया तो बड़ा कहाँ से होगा। कहते हैं ना कि पुरुषों का दिल बड़ा होता है तो इसलिए होता है भाई, वजन में 300 ग्राम है तो बड़ा तो देखने को मिलेगा मिलेगा। आगे चलते हैं अपन बात, दूसरी बात, इसकी जो लेयर मैंने आपको बताई थी कितनी, तीन टाइप की इसकी अपन ने क्या पढ़ी थी, लेयर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है आपका आलिंद, वो कितने मिलेंगे, दो। और चौथा जो मिलेगा आपको नीले, वो मिलेंगे वो भी आपको दो। अब ये दो आलिंद और दो नीले जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ये देखो भाई ये ऊपर के जो दो दिखाई दे रहे हैं राइट और लेफ्ट आपको, ये तो आपके आलिंद हो गए, और ये जो दो नीचे के दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्या हो गए, आपके नीले हो गए। तो ये हो गया राइट, मतलब ये हो गया राइट आलिंद आपका, और ये हो गया
लेफ्ट आलिंदा आपका, इधर इसके राइट नीले हो गया आपका और ये लेफ्ट नीले हो गया। ये इसके हो गए। इसके अलावा भागों को हम देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ ये सुपीरियर वेना के वो आपको दिखाई दे रहा है, सुपीरियर वेना का हुआ, और नीचे की तरफ जो छठा पॉइंट है आपका वो है इन्फीरियर वेना कावा। सातवां जो पॉइंट है आपका वो है आपका सॉरी फ्रेंड्स अयोटा। सातवां जो पॉइंट है आपका वो क्या है? अयोटा। तो ये आप इसके प्रत्येक भागों को देख रहे हो, ये सब प्रत्येक भाग मैंने बताए हैं। इसके अंदर हमने वेट की भी बात कर ली, मेल की फीमेल्स के अलग अलग 300-250 ग्राम लेयर थी, तीन लेयर हमने पढ़ ली। मैं बता रहा था ना कि तीन लेयर कैसी होती है, तो ये अंदर से स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसमें तीन लेयर होती है भाई, एक दो तीन इस तरीके से लेयर होती है अंदर की। इंटरनल जो स्ट्रक्चर देखेंगे अपन ये अंदर की, इसमें क्या पाई जाती है? तीन लेयर पाई जाती है। इसके अलावा हार्ट में आलिंद नीले, ये दो हो गए आपके, दो आलिंद हो गए, दो नीले हो गए आपके। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको यहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है। कि देखो एक बार इसकी हम थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका इन्फीरियर वेना क्या हुआ था ना, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड जो सप्लाई होती है हमारी बॉडी को, वो किसके माध्यम से होती है? इसी हार्ट के माध्यम से होती है। और वो कहाँ से? इस अयोटा के माध्यम से होती है। लेकिन इस अयोटा तक जो ब्लड है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो सब हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त जो है वो दो टाइप का रक्त है, एक होता है आपका शुद्ध रक्त और दूसरा होता है आपका अशुद्ध रक्त। तो जाहिर सी बात है अगर हम शुद्ध रक्त अगर हमें सीधा ही मिल जाए तो फिर ये इतना जो फंक्शन कर रहा है हार्ट, ये सारे फंक्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधा डायरेक्टली देख लेंगे ना, हमको कोई शुद्ध रक्त हमको डायरेक्ट मिल रहा है तो हम क्यों पढ़े आगे। लेकिन क्या होता है, पहले अशुद्ध रक्त इस हार्ट के अंदर आता है, ये हार्ट इसको क्या करता है, प्योर करता है, शुद्ध करता है, और उसके बाद में फिर शुद्ध हमारी बॉडी को सप्लाई होता है किसके माध्यम से, इस अयोटा के माध्यम से। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि रक्त आया कहाँ से, वो अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ से आ रहा है, और वो शुद्ध किस प्रकार से हो रहा है, और हमारी बॉडी को किस प्रकार से सप्लाई हो रहा है। तो हम एक एक पॉइंट को डिटेल से देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अशुद्ध रक्त की मैं बात करता हूँ कि अशुद्ध रक्त, देखो हमारी बॉडी में बता देता हूँ, ये बॉडी हो गई, हंसना मत भाई, बनाना नहीं आता मुझे डायग्राम, जैसे भी है जो ये मानव है, और इस मानव के यहाँ क्या है भाई, ये हार्ट है। ये जो हार्ट हम डायग्राम में देख रहे हैं ये हार्ट मानव का यहाँ स्थित है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो हम अगर अपर पार्ट की बात करें, अगर बॉडी को देखो मैं डिवाइड करूँ ऐसे चार भागों में, तो ये जो हिस्सा है पूरा यहाँ तक का, ये तो हो गया आपका अपर पार्ट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और जो पूरा नीचे का है ये हो गया आपका लोअर पार्ट मतलब निचला का हिस्सा। अब अपर पार्ट से जो ब्लड आएगा, जो भी अशुद्ध रक्त है पूरी इस यहाँ की इस हिस्से के अंदर, जो अपर रक्त अपर पार्ट में जो अशुद्ध रक्त है और ये लोअर पार्ट में जो अशुद्ध रक्त है, ये कैसे किस प्रकार आता है? तो अपर का तो आ गया आपके सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इसके थ्रू क्या हो गया, ये अशुद्ध रक्त यहाँ से आ गया, मतलब जो बॉडी से जो हमारी आर्टरी जो है वो क्या करती है, आर्टरी मतलब हमारी धमनी शिराएं, जो हमने पढ़ते ना क्लास में पढ़ा होगा आपने धमनी और शिराएं, तो ये धमनियाँ जो हमारी है आर्टरी जो है हमारी, वो क्या करती है, इस अशुद्ध रक्त को ऊपर का जो अपर पार्ट है इस यहाँ के सारे रक्त को किस में लेके आती है, इस सुपीरियर वेना केवा से लाती है, और जो नीचे का लोअर पार्ट का जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ से आता है, इस इन्फीरियर वेना केवा से आता है। अब आप इसको जो समझो कि भाई ये रास्ता जो खुल रहा है तो नीले में खुल रहा है, ये रास्ता आलिंद में खुल रहा है तो आधा तो आलिंद में आएगा आधा नीले में आएगा, नहीं, इसको इस प्रकार समझने की कोशिश करो कि ये हिस्सा पीछे की तरफ से निकल के कहाँ आ रहा है, इसी आलिंद के अंदर आ रहा है। यहाँ से जो निकल रहा है ना, ये पीछे से अगर हम इसको पोस्टरली देखेंगे, पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये हमें क्या है, पीछे की तरफ से दिखाई देगा। तो ये जो अशुद्ध रक्त है, सारा अशुद्ध रक्त कहाँ आ गया, ऊपर का तो ऊपर के हिस्से से आ गया, और नीचे का जो पार्ट है नीचे के लोअर पार्ट से वो इन्फीरियर वेना केवा से आकर के कहाँ इकट्ठा हो जाता है, इससे आलिंद के अंदर, राइट वाले आलिंद के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाता है। अब ये सारा ब्लड जो है वो कहाँ आकर के इकट्ठा हो गया, इस आलिंद के अंदर इकट्ठा हो गया। यहाँ तक हमारे पास जो है वो सारा जो ब्लड है वो कैसा है, अशुद्ध है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अशुद्ध रक्त की। अब इसको हमें शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए जब आगे हम देखेंगे तो हमें क्या है, यहाँ पर क्या है, वाल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वाल प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। तो ये वाल जो है, ये वाल क्या करते हैं, जब खुलेंगे ये वाल जब खुलेंगे तो जो अशुद्ध रक्त है वो किस में आ जाएगा, हमारे
इस राइट नीले के अंदर आ जाएगा और आकर के कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। पहले रक्त कहाँ था, इस आलिंद के अंदर, अब कहाँ आ गया, नीले के अंदर। ठीक है भाई, अभी अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ आ गया है, नीले के अंदर आ चुका है। किसके थ्रू, इन वाल के थ्रू। अब इस वाल को जो हम बोलते हैं, ये वाल क्या होते हैं, संख्या में तीन होते हैं, तीन होते हैं संख्या में, तो हम इसको तीन है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड। ट्राई कस्पिड क्यों बोलते हैं भाई, ये तीन कप की तरह दिखाई देते हैं, ट्राई मतलब तीन और कस मतलब कप की तरह दिखाई देने, तो तीन कप की तरह दिखाई देते हैं इसलिए इसका हम इसका नाम क्या रखा है, ट्राई कस्पिड। ऐसे ही इस तरफ भी अगर हम देखेंगे तो दो वाल इधर भी प्रेजेंट होते हैं आपके ऐसे, तो ये दो हैं इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, बाई कस्पिड। इसको क्या बोल दिया, बाई कस्पिड। बाई क्यों बोला, क्योंकि इसमें दो है कप जैसे, जो वाल है वो हमें दो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, बाई कस। इसको एक नाम और कहते हैं, एक नाम और इसका, मित्रल वाल। क्योंकि दोस्ती दो की अच्छी होती है, इसलिए दोनों क्या है, मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम रख दिया, मित्रल वाल। तो ठीक है भाई फ्रेंड्स, जो अशुद्ध रक्त जो आया था लोअर पार्ट से, इन्फीरियर से और अपर पार्ट से, सुपीरियर वेना केवा से आकर के कहाँ इकट्ठा हुआ, इस आलिंद के अंदर, राइट आलिंद के अंदर आकर के रक्त इकट्ठा हो चुका है, जो कैसा है, दिखने में अशुद्ध है। और इन्हीं वाल के थ्रू जब ये वाल खुलेंगे तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा, इस नीले के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब जब पहली बार ये वाल जब खुलता है तो हमें कैसे आवाज आती है, लब। कैसे आवाज आती है, फर्स्ट साउंड जो है आपका लब साउंड होता है। अरे आप कहते हो ना धक धक की आवाज़ आ रही है मेरे अंदर से, धक 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 धक, वो धक धक नहीं होता भाई, लब 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 और डब की साउंड होती है। सेकंड साउंड होता है आपका डब साउंड, वो आगे जब दूसरा वाल खुलेगा तब आपको सुनाई देगा। एक साउंड होता है लब, एक साउंड होता है आपका डब, लब डब लब डब, इस तरीके की साउंड हमको सुनाई देती है। अगर आप इसको स्टेज से, स्टेज आता है ना भाई, वो जो डॉक्टर्स लगाता है, देखते हो आप डॉक्टर्स को लगाते हुए देखा होगा, आपने कान में लगा के चेक करने का था ना स्टेथोस्कोप, उसी के माध्यम से चेक करते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमें ये साउंड सुनाई देती है लब डब। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि उस टाइम में हमारे बॉडी से क्या होता रहता है, ब्लड का जो है वो प्योरिफिकेशन होता रहता है, ब्लड जो है वो प्योर होता रहता है, शुद्ध होता रहता है। शुद्ध होने के लिए जो प्रोसीजर होता है, उस टाइम में हमें ये साउंड सुनाई देती है, और ये जो वाल है ये खुलते हैं तब हमें ये साउंड सुनाई देती है, लब डब की साउंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। यहाँ से आया और इन वाल के थ्रू, वाल खुलने के बाद में जब तीनों वाल खुलते हैं तो अब एक साउंड सुनाई देती है, लब साउंड, और इस लब साउंड के बाद में ये अशुद्ध रक्त जो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, यूँ ऐसे एक आर्टरी निकलती है, और ये आर्टरी आकर के ये खुल रही है ना, ये इससे में खुल रही है, ये दोनों साइड से। अगर आप देखोगे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ डायग्राम में इस तरीके से, ये देखो एक तो यूँ खुल गई और एक आपके मान लो ऐसे खुल गई। समझ रहे हो फ्रेंड्स, मान लो आप ये आर्टरी ये नीले से खुल करके, ये एक यहाँ से खुली इधर बाहर की तरफ, और एक इधर खुली अपने ये इस बाहर की तरफ। तो ये जो आर्टरी है, इस आर्टरी को जो अशुद्ध रक्त को लेकर के आ रही है, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जहाँ भी आपको देखने को मिले, आर्टरी मतलब धमनी, जब भी जहाँ भी आपको मिले तो धमनी का क्या, हमें सिर्फ अशुद्ध रक्त को लेकर के आना, और जितनी भी वेन है, शिराएं जो हैं अपनी, वो सब क्या करती हैं, शिराएं देखो फ्रेंड्स, पल्मोनरी आर्टरी जो यहाँ अशुद्ध रक्त का, वो किसके थ्रू, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ से एक आर्टरी निकल रही है, आर्टरी मतलब एक धमनी निकल रही है, वो धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के आ रही है, इस पल्मोनरी आर्टरी में लेकर के आ रही है। और यहाँ से, अब देखो भाई यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको कीजिए अब आप कि ये मेरे लंग्स है, समझ रहे हो, लंग्स, ये मेरे लंग्स है, लंग्स ऐसे है ना आपके लंग्स हो, लंग्स क्या है आपके यहाँ पर, ये जो आप फेफड़े कहते हो, जिसको फेफड़े, सॉरी, ये आपके लंग्स है। तो देखो ये इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आया है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मैंने बताया ना आर्टरी क्या लाती है, अशुद्ध रक्त को लेके आती है, तो वो अशुद्ध रक्त क्या है, इस आर्टरी के थ्रू, अब देखो किस में आके गिर चुका है, इन लंग्स में आकर के गिर चुका है, यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया वो अशुद्ध रक्त, यहाँ इस लंग्स के अंदर, इस लंग्स में किसके थ्रू आया, वो इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इस लंग्स में क्या आ चुका है, अशुद्ध रक्त आ चुका है। अब यहीं से देखो एक आर्टरी और जा रही है, ये रही,
मतलब वो किससे कनेक्ट है, इस लंग से कनेक्ट है। जैसे ही अशुद्ध रक्त नीले से निकल के यहाँ आया, यहाँ आके इकट्ठा हुआ, तो हमारे लंग्स के अंदर क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अरे भाई सांस लेते हैं ना, हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब उस रक्त के साथ में क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है। और जैसे ही रक्त को ऑक्सीजन मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम चलते हैं, इसी प्रकार से अगर इस रक्त को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये रक्त अपने आप ही क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रक्त अब शुद्ध रक्त हो चुका है। पल्मोनरी आर्टरी से आने के बाद जैसे लंग्स के अंदर आकर के अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ और वो किसके थ्रू, अब इस पल्मोनरी वेन, वेन मतलब क्या थी, अब ये देखो एक नीचे और दिखाई दे रही है आपको ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन। वेन मतलब हमारी क्या थी, अब धमनी, पहले क्या ला रही, सॉरी शिराएं, पहले क्या थी हमारी धमनियाँ जो थी वो क्या ला रही थी, अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही थी, अब क्या है शिराएं, शिराएं क्या करेंगी इस शुद्ध रक्त को, शुद्ध कैसे हुआ ये, रक्त में क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन मिल चुकी है और ये इसने क्या कर दिया, इसको शुद्ध कर लिया और ये शुद्ध रक्त जो है अब इसी के माध्यम से किस में आ जाएगा, इस लेफ्ट आलिंद के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब हमारे पास जो रक्त है वो किस प्रकार का रक्त है, शुद्ध रक्त है। पहले जो हमारे पास रक्त था वो कैसा रक्त था, अशुद्ध रक्त था, लेकिन अब इसमें क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, इस लंग्स में, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या है, मौजूद है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स को मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अब ये जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ आकर के इकट्ठा हो गया, इस लेफ्ट वाले आलिंद के अंदर आकर के इकट्ठा हो गया, जो कैसा दिखाई दे रहा है हमको, शुद्ध। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी दो क्या है, वाल प्रेजेंट है, और इन वाल को हमने क्या नाम दिया था, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब इसका दूसरा नाम था मित्रल वाल, और हमने इसको मित्रल वाल क्यों, क्योंकि जो दो दोस्त होते हैं उनको दोनों हम क्या जानते हैं, मित्रल, मित्र मतलब वो मित्र होते हैं आपस में, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, मित्रल वाल। और ये जो थे आपके, ये थे आपके ट्राइकस, क्योंकि ये संख्या में कितने हैं, तीन, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ट्राइकस्पिड। कौन सा वाल दिया था हमने इसको, ट्राइकस्पिड वाल, मिट गया यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्यों कह रहे थे, क्योंकि ट्राई मतलब तीन और कस मतलब ये कप के जैसे दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं, कप के जैसे, तो तीन कप के जैसे दिखाई दे रहे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्राइकस्पिड। यहाँ पर संख्या में दो दिखाई दे रहे हैं इसलिए इसको हमने बोल दिया बाइकस्पिड। अब देखो आगे फ्रेंड्स, जैसे ही ये वाल खुलेंगे, वाल क्यों खुलेंगे भाई, अब ये भी तो सवाल पैदा होता है कि वाल क्यों खुलेंगे, बंद ही रहना चाहिए, तो ये इसलिए खुलेंगे ताकि हमारा जो रक्त का जो प्रोसीजर जो था, बॉडी को जो रक्त मिलने वाला है वो किसके माध्यम से, जब वो आगे आएगा तभी तो बॉडी को मिलेगा, तो वो आगे आने के लिए ये वाल क्या होते हैं, खुलते हैं। अब पहले तो आपकी आवाज़ आई थी लब, लब साउंड आपको सुनाई दी थी, कैसी साउंड थी वो, लब साउंड थी। अब दूसरी साउंड जो आपको देगी वो कैसी देगी, डब। अरे भाई बता रहा था ना मैं आपको, आप कहते हो धक 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 करता है मेरा दिल, तो धक धक नहीं होता वो आपका दिल, वो लब डब होता है, ठीक है, जिसको आप धक 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 कहते हो। अब वो दूसरी साउंड जो सुनाई दे रही है वो कौन सी साउंड है, डब साउंड, जो कहाँ से आई, इस वाल से। जैसे ये वाल ओपन होगा तो सारा का सारा जो शुद्ध रक्त है वो आकर के किस में इकट्ठा हो जाएगा, इस लेफ्ट नीले में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब जो रक्त है वो कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को अच्छे से साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई मैं बता रहा था आपको, ये आपका राइट वाला हिस्सा था, ये आपका लेफ्ट वाला हो गया, इधर ये राइट और ये आपका लेफ्ट, ये आपके आलिंद थे, इधर भी आलिंद, ये आपके नीला हो गया और ये भी आपके नीले हो गया। हमारा जो वाल के थ्रू जो शुद्ध रक्त आया है वो कहाँ आकर के इकट्ठा हो चुका है, अभी हमने देखा लेफ्ट नीले के अंदर आकर के इकट्ठा हो चुका है। अब यहाँ से फिर एक आर्टरी निकलती है, मैंने बताया था ना आपको, आर्टरी मतलब धमनियाँ, जहाँ भी आपको धमनी शब्द देखने को मिले समझ जाना अशुद्ध रक्त, वो रक्त लाने का काम ही कर रही है। अब वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों करती है, लेकिन जब तक हमने नीले तक देखा था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी ना, बताया था मैंने आपको भी, और आकर के किस में, इस लंग्स के अंदर, जो लंग्स थे आपके फेफड़े जो थे यहाँ आकर के इकट्ठा हुआ था अशुद्ध। तो जहाँ भी आर्टरी आपको देखने को मिले, धमनी जहाँ भी आपको देखने को मिले, तो धमनी का काम क्या है, सिर्फ ब्लड को लाने का। धमनी का काम सिर्फ क्या होता है, ब्लड को लाने का। और शिराएँ जो होती हैं हमारी, शिराएं मतलब हमारी जो वेन थी वो क्या करती है, रक्त को लाने का काम करती है। तो ये अयोटा जो है, अब अयोटा कहाँ से आया भाई, इस यहाँ से देखो, अब यहाँ से फिर एक वाल इसके पीछे से, जैसे ये थी ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो थी ना, ये इस तरीके से खुल रही थी, ये से मैंने आपको बताया था अभी, इस तरीके से। अब इसके ही पीछे से देखो, यहाँ से अगर यूँ पीछे से हम देखेंगे तो ये पीछे से आकर के किस तरीके से खुल रही है, ये ऐसे इस पूरे हिस्से में आकर के ऐसे कनेक्ट हो रही है, ये यहाँ से पीछे से निकलती हुई इधर से आई और ये इससे यूं कनेक्ट हो रही है ये। अब जो शुद्ध रक्त है इस
अयोटा के माध्यम से, ये दिख रहा है ना आपको, ये नीले के अंदर जो शुद्ध था, शुद्ध रक्त जो था, ये अयोटा के माध्यम से प्रेशर के माध्यम से क्या होता है, प्रेशर के माध्यम से यहाँ से बाहर निकलता है। अरे भाई बॉडी को जो ब्लड चाहिए वो तो एक साथ बहुत सारा ब्लड चाहिए ना, कोई एक ऑर्गन थोड़ी कि भाई मेरे कान कान को खाली ब्लड चाहिए, भाई मेरे कान में दर्द रहता है तो कान को ब्लड दे दो, मेरी आंखों को ब्लड की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आयोटा जो है आपका वो वहाँ से एकदम से ब्लड बाहर निकलेगा और फिर उसके माध्यम से पूरी बॉडी को एक एक हिस्से को वही इस सुपीरियर ये वेना केवा और ये जो आप देख रहे हो ना इन्फीरियर वेना केवा इसी के माध्यम से, इसी तरीके से आयोटा के माध्यम से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो ये तो आगे आपकी एक नॉर्मल सी बात जो मैंने आपको बता दी कि किस किस तरीके से ब्लड कैसे शुद्ध और कैसे चित्र। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसके किसके बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शन, इसके जो कार्य हैं, फंक्शन मतलब इसके जो कार्य। देखो आपने मानव हृदय के चित्र को और मानव हृदय के प्रत्येक भागों को तो विस्तार से समझ लिया, लेकिन इसके प्रत्येक भाग जो भी थे उनके फंक्शन क्या है, आगे हम फंक्शन देखेंगे, कौन कैसे काम कर रहा था उसको डिटेल से हम देखेंगे। तो ये सारा जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो की जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक रेगुलर पहुंचती रहे, और साथ ही साथ चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने को मिले। भाई अपने फ्रेंड्स को भी दो साथ में। देखो अगर हमारे चैनल के अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो जो ये क्लास हम बना करके आपको बाद में देखने को मिलती है, ये आपको डायरेक्ट लाइव देखने को मिलेगी। लाइव में क्या होगा भाई, फ्रेंड्स जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे या जितने भी आपके साथ के जो इस YouTube पर होंगे वो सब आपको क्या मिलेंगे, सीधे लाइव देखने को मिलेंगे और हमारी क्लास में पढ़ाने का और भी मज़ा आएगा। अभी हमारे पास 300 सब्सक्राइबर है, तो अब हम क्लास बनाते हैं तो आपको भी मज़ा नहीं आता कि एक दिन बाद दो दिन बाद आपको क्लास देखने को मिलती है। अब जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये क्लासेज जो होंगी वो रेगुलर लाइव चलेंगी, और लाइव चलेंगी तो आपको भी पढ़ने का मज़ा आएगा और हम भी क्लासे रेगुलर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक करें, जिसने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइबर करें। थैंक यू।